1 अप्रैल से देश में टैक्स की नई दरें लागू होने जा रही हैं। आम लोगों पर महंगाई का और मार ज्यादा पड़ने लग जाएगा। 1 अप्रैल से टीवी, एसी और फ्रिज के साथ ही मोबाइल चलाना भी महंगा हो जाएगा। वर्तमान में चीन में फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे चीन में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। लॉकडाउन लगने से चीन की सोयाबीन की मार्केट थोड़ी नरम पड़ी है। लॉकडाउन और उससे जुड़ी पाबंदियों के चलते चीन में सोयाबीन की पैराई में कमी आई है और खाद्य तेलों की मांग भी कम हुई है। देश की जनसंख्या को पोषण से पूर्ण अनाज उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार प्रयासरत है, जिसके तहत केंद्र सरकार देश भर में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य के साथ कृषि व किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोषण अनाज पर एक उप योजना शुरू की है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने और मांग बढ़ने से मक्का की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस कारण अब कई देश टूटे चावल की खरीद कर रहे हैं। अचानक टूटे चावल की मांग बढ़ने से इसके रेट में भी इजाफा हुआ है और ये 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है। रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के मुकाबले $35 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है। रूस के इस ऑफर पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पिछले 10 दिनों में कीमतों में कुल वृद्धि 6.40 रुपये प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 101.81 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये हो गई है। रूस यूक्रेन जंग सनफ्लावर तेल की कीमतों में उबाल ला सकती है। यूक्रेन के बंदरगाह पर 3,00,000 टन सनफ्लावर तेल अटका हुआ है। इधर सरसों के तेल में नरमी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। बता दें, सरकार के स्टॉक लिमिट समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ी है और अधिकतम तापमान 3 स्थानों पर 41 डिग्री को पार कर चुका है।